किसी भी रोड के बारे में, प्लेस के बारे में, वो हम बेसिकली अर्थ के बारे में बात करते, किसी और चीज़ों के बारे में नहीं। ओके, और हमने पूरे वर्ल्ड का मैप भी देखा था, इसमें ब्राज़ील का भी मैप देखा था। ओके, और हमने लॉन्गिट्यूड और मतलब हमने सीखा था कि किसी भी जगह के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले उसके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पैरेलल और मेरिडियन को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने प्रीवियस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पैरेलल और मीडियन भी देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ साउथ होते हैं उसे नॉर्थ साइड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ साइड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। और जो 66 डिग्री 30 नॉर्थ और साउथ साइड जो इक्वेटर मतलब पैरेलल होता है वो भी इम्पॉर्टेंट पैरेलल होता है। और जो नॉर्थ साइड का पैरेलल होता है उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और जो साउथ साइड का पैरेलल होता है उसे बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो आज हम आगे का सीखेंगे स्टूडेंट्स। ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। दिस जोन्स गिव राइज टू द प्रेशर बेल्ट्स। मतलब बोला है कि इस टाइम से ड्यू टू दिस ड्यूरेशन, ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, मतलब जब सनलाइट का टाइम होता है, सनलाइट आने का टाइम होता है, तो उसके भी अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। ओके, जैसे कभी कभार देखो, आप लोग भी देखो कि बहुत ज़्यादा धूप लगती है कभी कभार, और कभी कभार नॉर्मल रहता है ना। मतलब ऐसे अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर ये सब अर्थ पे फॉर्म्ड हुए हैं, ये सब अर्थ पे बने हैं। दीज जोन्स गिव राइज टू द प्रेशर बेल्ट, और ये जो जोन्स हैं ये प्रेशर बेल्ट को मतलब जागरूक करते हैं ऐसे। ओके, वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जो वेरिएशन होता है सनलाइट का, वेरिएशन जो होता है वो प्लांट्स को और एनिमल्स को मतलब डाइवर्सिटी मतलब उनको जैसे हेल्प करता है जीने के लिए, खाने पीने के लिए। अब जैसे अभी हमने कोई प्लांट उगाया अपने घर में या फिर बाहर, तो जब तक उससे हम पानी और सन की धूप, एक्चुअली ना सन की धूप जो होती है वो प्लांट्स का खाना होता है। ओके, तो जो पानी, अगर हम सिर्फ पानी देंगे तो सन बढ़ पाएगा नहीं, सॉरी सन बोल रही, प्लांट बढ़ पाएगा नहीं, उसे दोनों की ज़रूरत होती है। या फिर सिर्फ हम बीज बो देंगे ना, उसको पानी नहीं देंगे, सिर्फ बोलेंगे सन सन की लाइट से ये बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं, उससे पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तभी वो बड़ा होगा। ओके, फिर देखो, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन। मतलब जो 0 डिग्री का, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है या फिर प्राइम मेरिडियन होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है। ओके, द मेन पर्पस ऑफ दिस इज़ टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और इसका मेन काम क्या है, मेन पर्पस क्या है, कि जो भी टाइम है ना पूरे दुनिया का, इसको बरोबर रखना, फिक्स करना। ओके, अलग अलग देशों के टाइम फिक्स करना। दिस मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन, और इस मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जा सकता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम्स टाइम इज नोन एज GMT, ग्रीन विच मीन टाइम। मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड को क्या, ग्लोबल स्टैंडर्ड जब टाइम होता है, ये टाइम होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड का, तो उसे कहा जाता है GMT, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, द 180 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अदर्स मेरिडियन आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180 डिग्री। द 180 डिग्री मेरिडियन लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। बोला है कि जो 180 डिग्री का मेरिडियन होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और जो प्राइम मेरिडियन होता है और जो दूसरा मेरिडियन होता है आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180। मतलब जो प्राइम मेरिडियन होता है और जो दूसरा मेरिडियन होता है, ईस्ट और वेस्ट साइड में उसे मार्क कर दिया जाता है 180 डिग्री पे। ओके, द 180 डिग्री मेरिडियन लाइज, जो प्राइम मेरिडियन है ना उसके अपोजिट में, मतलब उसके सामने, ठीक सामने या फिर पीछे 180 डिग्री का मेरिडियन होता है। ओके, अब हम आगे का देखते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क्ड विथ रेफरेंस टू दिस मेरिडियन। और जो इंटरनेशनल डेट होता है, उसे मार्क किया जाता है
मेरिडियन से, ओके, रेफरेंस टू दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन को मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन होता है, तो इसके इसका इंटरनेशनल डेट होता है. द इक्वेटर एज वेल एज ऑल पेयर्स ऑफ अपोजिट मेरिडियंस फ्रॉम ग्रेट सर्कल्स, ग्रेट सर्कल्स आर यूज फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. चलो अब इसका मतलब समझते हैं कि जो इक्वेटर होता है, ओके, इक्वेटर होता है, उसके साथ साथ जो अपोजिट पेयर्स होते हैं मेरिडियन के, ग्रेट सर जो देखो अब जो ग्रेट सर्कल है इसका इक्वेटर है, इसके जो अपोजिट मेरिडियंस होते हैं, ओके, इक्वेटर के अपोजिट मेरिडियंस भी ग्रेट सर्कल आर यूज फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मतलब जो इक्वेटर के, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो इक्वेटर होता है उसके साथ साथ जो अपोजिट पार्ट होता है, अपोजिट पैर होता है मेरिडियन का ग्रेट सर्कल से, वो क्या होता है, मतलब कोई दो जगह को ढूंढने के लिए काम आता है, उसके बीच का डिस्टेंस जानने के लिए काम आता है, ओके, अर्थ के सरफेस पे ये सब जानने के लिए काम आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ थिंक एंड टेल दिया है, वो भी हम देख लेते हैं. फाइंड ऑन द ग्लोब द मेरिडियन अपोजिट टू द वंस मेंशन बिलो, 90 डिग्री ईस्ट, 170 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब अब बोला है कि ग्लोब पे ढूंढना है जो मेरिडियन नीचे दिया है ना उसके अपोजिट कौन से मेरिडियन रहेंगे. 90 डिग्री ईस्ट के अपोजिट में क्या रहेगा, 170 डिग्री वेस्ट के अपोजिट में क्या रहेगा, 30 डिग्री ईस्ट के अपोजिट में और 20 डिग्री वेस्ट के अपोजिट में क्या रहेगा, ये पूछा गया. और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हुए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा ये पूरा लेसन कम्प्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ भी कुछ दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेटिकन सिटी इज़ नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वेटिकन सिटी एक सिटी का नाम है, ये पूरी दुनिया में सबसे छोटा है. इट इज़ स्पीड ओवर एन एरिया ऑफ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर. दिस कंट्री इज़ लोकेटेड विद इन इटैली ऑन द इटालियन पेनिनसुला. मतलब ये देखो, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर हमें जानकारी के लिए बताया गया है कि विटिकन ये बहुत छोटा सा शहर है, ये 0.44 स्क्वायर किलोमीटर में ही है बस, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके. और ये कंट्री इटैली में लोकेट करती है, मतलब इटैली से बिलोंग करती है, इटैली में है, इटालियन पेनिनसुला के यहाँ. सी द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दिस फिगर इन ऑफ दिस कंट्री इन द फिगर. मतलब ये जो फिगर दिया है इसमें हमें इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना है. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ टू साइड देर इज नो डिफरेंस इन द डिग्री और मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बट द डिफरेंस इज़ ओनली इन सेकेंड. मतलब कि जो ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस ये जो कंट्री है कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना ही डिग्री का, ना ही मिनट, ना ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है जो है सेकेंड, सेकेंड का सिर्फ डिफरेंस है और किसी चीज़ का नहीं. फ्रॉम दिस यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द यूज़ ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स एंड मिनट्स एंड सेकेंड्स इन एंगुलर मेजरमेंट. बोला है कि और इससे मतलब ये जो हमने अभी देखा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ सेकेंड एक बदला है. इससे आप मतलब आइडिया आपको मिल सकता है कि ये कितना अबाउट द यूज़ ऑफ स्मॉलर यूनिट, मतलब मिनट का मतलब काउंट करने का सबसे छोटा यूनिट मिनट और सेकेंड एंगुलर मेजरमेंट में ऐसा, ओके, इसमें बस यही बोला है और कुछ नहीं, ओके. तो ये भी था जो हमने नहीं किया था, थिंक अ लिटिल, थोड़ा सा सोचना है आपको. विच इम्पॉर्टेंट पैरेलल पासेस थ्रू इंडिया, कौन सा इम्पॉर्टेंट पैरेलल है जो इंडिया से गुजरता है. विच एरियाज डू नॉट गेट परपेंडिकुलर सन रेज, विच रीजन रिसीव परपेंडिकुलर रेज ऑन टू डेज इन अ ईयर. मतलब कि ऐसा दो दिन कौन सा है जब मतलब ऐसा दो दिन कौन सा है जब परपेंड जो सन रेज होता है वो रिसीव करता है, ऐसा कौन सा दो दिन है, ओके. शो दिस रीजन बाय डिफरेंट कलर्स ऑन अ मैप ऑफ इंडिया. मतलब अलग अलग कलर से बताओ कौन सा रीजन है इस साइड, कौन सा रीजन है उस साइड इंडिया के मैप में, ओके. तो हमने इधर यही तो सीखा था कि सन ऐसे दो दिन होते हैं
सॉरी मतलब ऐसा 24 घंटा होता है, ऐसे 1 डे होता है जब सन आकार मतलब जो जब सन विजिबल होता है। ओके ये हमने देखा था, और हमने देखा था कि मतलब 6 मंथ्स सन रहता है, ये पोल मतलब पोल के ऊपर वो है, पोल कंसिडर करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।